हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित राउत और आज हम बात करने वाले हैं और आज हम लेके आने वाले हैं अब हम अपनी प्रोग्रामर सीरीज़ को। और दोस्तों, उसमें आपको हम सिखाएंगे HTML बेसिक लेवल में, ठीक है। स्टार्ट से बिगनिंग से करेंगे हम, ठीक है। जो बिगनर्स को चाहिए होता है वहीं से स्टार्टिंग करेंगे और हम प्रो लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है। HTML CSS आपकी और पाइथन JavaScript जावा वगैरह आपको सिखाएंगे, ठीक है। अभी तो हम भी वैसे स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, थोड़े बहुत पाइथन वगैरह में है भी और जावा स्क्रिप्ट चल ही रही है, तो हम आपको सिखाएंगे जैसे ही हमारी कंप्लीट होगा। अभी क्योंकि हम बेसिक में गए तब तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जावा जावा स्क्रिप्ट वगैरह पाइथन वगैरह, तो सीखने के लिए तैयार होना, ठीक है। अगर जिन जिनको अगर इंटरेस्ट है दोस्तों आ सकते हो, और हम एकदम बिगनिंग में मतलब आपको जो समझाएंगे एकदम समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो ये तो इंट्रो था और हम हाँ दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि मतलब अब जो इंडिया में कंपनी एंट्रीज दे रही है, मतलब कितनी सारी कंपनी एंट्रीज थी, तो उनमें से एक ना एक मतलब हर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट या वेब डिजाइनर तो चाहिए होगा, क्योंकि हर एक कंपनी अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करती है, ठीक है, वेबसाइट बनाती है। तो इस वजह से रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और आगे इसी के बेसिस पे जॉब मिलने वाली है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना आपको सिखाया जाए कि आपको प्रोग्रामर क्यों ना आपको प्रोग्रामर बनाया जाए, प्रोग्रामर की टिप दिया जाए। हम भी अभी अभी टॉप लेवल में नहीं है दोस्तों, बट हमें जो आता है वो आपको सिखाएंगे, और जो हम सिखाते हैं हमेशा जो भी मेरे चैनल में आपका कंटेंट होता है वो हमेशा मतलब एकदम सही होता है, ठीक है। कोई फेक नहीं होता, कोई मतलब लेगिट होता सारा, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर आप जिसको इंटरेस्ट है दोस्तों वो कमेंट में यस लिख देना, और अगर आप शेयर करना चाहते हो शेयर कर देना अपने दोस्तों को भी, ताकि हम सब मिलके सारी कम्युनिटी मिलके एक साथ प्रोग्रामर बने, तो ठीक है। तो हाँ, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और दोस्तों ये इंट्रो ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2-3 दिन में आ जाएगी हमारी प्रोग्रामर सीरीज़ की वीडियो नंबर 1 HTML के बेसिक में, उसके बाद CSS वगैरह आपका जावास्क्रिप्ट अब चलते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बाय।